बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपका जो प्लॉट है वो आपने कितने में लिया है। सुनता है इससे बहुत बुरा हाल हो गया। इतने दिन जो खाया था वो पचा रहे हैं नीरज। पचा रहा हूँ, अभी तो एक हफ्ता और लगेगा। और अभी नीरज लेके आए हैं दूध। दूध बिकॉज मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। बिल्कुल, मेरे लिए मत बनाना। क्यों? अभी चाय, चीनी थोड़ा सा पी लो। मैंने बैर रखा दिया उधर, पानी रख दिया। अब दूध थोड़ा सा, चलो ठीक है, थोड़ा सा पी लेंगे। ओके। और मम्मी पापा कर रहे हैं बाहर काम, दिखाती हूँ। मम्मी इधर झाड़ू लगा रहे हैं, पापा भी रेस्ट पे है क्योंकि पापा उधर झाड़ू लगा रहे थे। पिछला हिस्सा है, बाकी वो भी गंदा पड़ा हुआ है। अभी 10-15 दिन के बाद घर आए तो अभी पूरी सफाई चल रही है। नीरज का एक्सरसाइज चल रहा है और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो गाइज मैंने यहाँ पर चाय भी बना ली, बिस्किट भी रेडी कर दिया है, तो अभी जाते हैं सबको देने के लिए चाय। आ जाओ सब लोग चाय पीने आ जाओ। चाय रेडी है। ओह, यहाँ पे मस्त धूप आ रही है। धूप सेकते सेकते चाय पीएंगे। ये देखो आपके नीरज जीजू एकदम बाल कटा के आए हैं और मसाज भी करवाए। ओहो, बहुत दिन से सोच रहा मसाज करूंगा। काम हम कर रहे हैं, मसाज आप करा रहे हो भाई। सुबह से पापा मम्मी मैं लगे हुए काम पे और नीरज जाके एकदम मसाज करवा के, जैसे कि बहुत काम करके थक गए होंगे। वाह भाई, छुट्टी में मैं आया हूँ। ओहो, ठीक है ना? तुम ये बोल कर इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो। इमोशनल ब्लैकमेल वाली बात नहीं, मैं बोल रही हूँ काम सुबह से हम कर रहे हैं, मसाज ये करा के आ रहे हैं। देखो यहाँ क्या बात है। जरूरत तो हमें है वहाँ जाने की, ना आईब्रो बना रखा है, ऐसे घूम ही जा रहे हैं पागल जैसे। फेस का तो क्या बोलना, कभी फेसियल कराया नहीं। और ये आंखों का मांस भी, एक कमेंट आया कि आंटी है ना आप ना मोटे हो गए, ये मांस में आंख भी नहीं नजर आ रही। फेसियल करा के ना ऐसे ऐसे फेसियल करा के आंख ऐसे बड़ा कर सके। अरे जमाना हो गया, अब कभी लाइफ में करवाया था नहीं, अब क्या कराना। यहाँ क्या है, कमरा तो नहीं खाली कर रही। यहाँ देखो गाइस, जब भी कहीं से आना जाना रहता है तो मेरा कमरा ऐसा हो जाता है। अभी मैं पूरा यहाँ पे सेटिंग कर रही हूँ, पूरा सामान मतलब एक साइड साइड पे रख रही हूँ। इसको भी टाइम लगेगा सेट होने में, है? अच्छा ठीक है। तो हम लोग ने नाश्ता वास्ता भी कर लिया, तो अभी इसमें तो मेरा पूरा दिन जाने वाला है साफ सफाई, ये मतलब कमरे को सेट करने में। अब मैंने नीरज के साइड वाला मिलाया, अभी मैं अपने साइड वाला मिला रही हूँ, क्योंकि जब भी कहीं से आना रहता है उसका पैक जो किया होता है सामान वो सब ओपन करना पड़ता है, तो उसके कारण फिर वही हो जाता है। तो अभी हम लोग को अचानक ही जाना पड़ रहा है कहाँ पे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में, क्योंकि हमारा वहाँ पे आपको पता ही है प्लॉट है, तो उसका काम है हमको, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपका जो प्लॉट है वो आपने कितने में लिया है, तो हम आपको भी वो बाद में बताएंगे। पहले हम लोग काम वगैरह कम्प्लीट करते हैं, और फिर हमने जब ये लिया था प्लॉट और तब से अभी हमको इसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हुआ है ना, क्योंकि जितने भी लिया था उससे अभी थोड़ा सा रेट बढ़ा भी है। एक चीज़ का ही हम वेट कर रहे थे, वो था चेक, क्योंकि चेक ख़त्म हो गया था, तो वो चेक आ चुका है, आज ही आया चेक, तो आज ही हम लोग काम के लिए भी निकल चुके हैं। ओहो गाइस देखो कितना धूल उड़ रहा है, और नीरज को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि आज सुबह ही नीरज ने गाड़ी साफ की थी। इतनी साफ की थी ना, मतलब कि खुद भी मैं नहीं नहाया था जितने मैंने गाड़ी साफ की। बेकार, मतलब रोड इतना खतरनाक है, तो धूल पूरी गाड़ी में उड़ रही है, तो नीरज को इतना दुख लग रहा है। और कहीं ऐसा हाल नहीं है, वहाँ भी हमारे वहाँ ठीक है। चलो कोई नहीं, बना भी हमारे लिए रहे, आज नहीं बनेगा कल बनेगा, तो अच्छे हाईवे में जाएंगे, सीधा सीधा जाएंगे। तो भाई कुछ पानी के लिए खोना भी तो पड़ रहा है। सही बात है, अभी कोई बात नहीं, अभी खो रहे हैं, बाद में अच्छा मिलेगा, बाद में अच्छा मिलेगा। चलते हैं, अभी जैसे तैसे रास्ता आएगा वैसे चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, चंडीगढ़ का एक ही रास्ता है ना। हाँ। और कहीं से नहीं जा सकते चंडीगढ़ जाने के लिए। आसपास देहरादून का बॉर्डर कट चला जाता है और हरियाणा का बॉर्डर चल जाता है, लेकिन ये है इसमें तो एक ही रास्ता है। हाँ, चंडीगढ़ के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, दो ऑप्शन नहीं है, ओनली वन ऑप्शन। अभी हम लोग एडिडास के यहाँ पे ऐसे आ गए थे क्योंकि बाहर से दिख रहा था ऑफर है, कितना 60% ना,
60% ऑफ दिख रहा था तो हम लोग घुस गए। उसके बाद हमने देखा नीरज ने तो जिस जिसमें ऑफर था वो लिया, और मुझे वो पसंद आया जिसमें ऑफर ही नहीं था। तो अभी देखते हैं, जो भी शॉपिंग रहेगी मैं आपको दिखाऊंगी। कल तो मैं सॉक्स चेंज करूंगा। ओके, ओहो हो, तो नीरज ने शॉपिंग भी कर ली है। यस, उसमें से मैं भी एक यूज भी करूंगा सॉक्स अभी। बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़े जूते लूज है। ओके, तो हमने एडिडास से शॉपिंग भी कर ली। 5,000 में मैंने एक टी शर्ट, एक कैप लिया, नीरज ने एक टी शर्ट और एक जैकेट टाइप लिया। क्योंकि ऑफ था इसलिए हमको इतने कम प्राइस में मिला है। नीरज को सबसे ज्यादा हैरानी किस में हुई? 66% डिस्काउंट दे दिया भाई। मेन चीज ये था कि एक जो जैकेट नीरज ने लिया है उसका प्राइस था समथिंग 5,000 और फिर नीरज को मिला वो 1600 में। तभी मैं ये बोलता रहता था फैक्ट्री आउटलेट में चलते, फैक्ट्री आउटलेट में क्योंकि अच्छी चीजें मिल जाती है, ज्यादा खरीदना नहीं है, थोड़ा बहुत। यस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी बड़ी मम्मी के घर पे, क्योंकि आज हम लोग उधर ही स्टे करने वाले हैं। हमारा जो काम था वो भी हो गया, आधा हुआ है, मतलब आधा कल करेंगे। तो यस, अभी जाते हैं, भूख भी लग रही है, देखते हैं अब घर पे खाएंगे। वैसे तो मैंने खाना बनाने के लिए मना कर दिया था, मैंने बोला था बाहर जाके खाएंगे कहीं पे, तो इसलिए अभी वहाँ पे पहुँचते, फिर दाई जो हमारे संजू दाई हैं वो हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है क्या है। ये तो रो भी लग जाएगी, मुझे तो लग रहा है मुँह तो ऐसा बना रहे। ये पिछली बार हमें देख के रोए थे ये और ये, तो इसलिए मुझे डर लग रहा है इनसे मिलने में। हम आपसे मिल सकते हैं क्या? हम आपसे मिल सकते हैं? नीरज को देख के तो ऐसे करते हैं ये दोनों। तो ये हमारी दीदी एंड जीजू का शॉप है, हम यहाँ पे खाने के लिए आए हैं मोमोज। वैसे तो हम लोग को दाई के घर पे जाने का प्लान था, पर दीदी ने फोन करके बुलाया था और ऊपर से वो इतना मन कर रहा था वो खाने का, तो मैंने बोला चलो खाते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं। पहुँच चुके हैं हम फिर से आ गए। मैं बोल रही थी आपको हमें देख कैसे तो लग रहा है फिर टपक पड़े। आज ही बेड हमने फोल्ड किया था और दोबारा खोलना पड़ा। तो ये फोल्डिंग वाला बेड है, तो जब भी हम आते हैं यहीं पे रुकते हैं, तो ये बेचारे कोई बात नहीं, आज ही फोल्ड किया था, बिस्तर अंदर डाला था, आज ही खोलना पड़ा। अब तो मानो भी नहीं आप, कृषा तो भूली भी नहीं है तुम्हें। हाँ जी, यही है। हाँ, यही है। फाइनली नीरज से मान गई। वो शर्म आ रही उसको। नमस्ते करो, नमस्ते। शर्म आ रही है उसको, स्टाइल देखो उसका। फाइनली नीरज से मान गई। कृषा और मैं जा रहे हैं और कृषा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है व्लॉग में। इतनी अच्छे से मान गई है क्योंकि इसको पता चल गया कि मैं जा रही हूँ, तो इसलिए मान गई है ना। कुछ तो बोल दो। हाँ जी बोल दो। हाँ जी, हाँ वही इसने बोला ना, जो वही। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विद कृषा, एंड कृषा मेरे गोद में इतने प्यार से बैठी है ना, ओह माय गॉड। और अभी देख रही है, कृषा से हाय, हाय एवरीवन, हाय। हमारे साथ है वन एंड ओनली भाऊजू, भाभी जी। भाभी जी घर पे हैं। भाभी जी अभी कार पे है। आपको भी बोलना है कुछ? बोलो बोलो। नहीं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, एंड कौन सी जगह हमें नहीं पता क्योंकि दाई ने सिलेक्ट किया है। तो मेरे को क्यों अभी इतना? वही। ओहो, आप सुंदर लग रही हो ना। थैंक यू। बावजूद एकदम ब्यूटीफुल से सुंदर परी बन के जा रही है। और आगे हम दोनों के पति गायब हो चुके क्योंकि वो गए हैं कहाँ? इज्जत का फालूदा करने। आई मीन फालूदा लेने। लो भाई, हमारे पति 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 तो कब दोगे जब पिघल जाएगा? अभी आगे रुक के ले रहे हैं ना, अभी वो कैसे खा लोगे आप उसको? कोई अक्षय कुमार हो गया आप? अक्षय कुमार, ये क्या बात थी? अक्षय कुमार हो कैसे इसको पकड़ के सनरूफ में और नीचे खा रही है आराम से। तो यहाँ पे दाई और नीरज अपनी फेवरेट फालूदा लेके आए हैं। एकदम एकदम प्योर फालूदा है ना, एक हाँ। तो ऐसा
रख के ना रखो, इसको खा जाओ बस। अच्छा अच्छा, अभी तो ये बादाम मिल्क भी पिया, बादाम मिल्क भी पिया, मेरे को तो पिया नहीं। नहीं उन्होंने बोला था कि भाजपा के लिए, मैंने कहा वो अभी पिएगी नहीं। क्यों नहीं पिएगी? हम देंगे तो पिएगी। वही बात है ना, हमने दे रहा ही नहीं तो पियेंगे कैसे? ऐसे क्यों करे बाबूजी के साथ? नहीं नहीं, कल 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 को लाएंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं बुले सारे गंदे हैं ये, तो हमने जस्ट फॉर द टेस्ट लिया है, बाकी कल खाएंगे। तो ये वाला जो फालूदा है, इधर दिखाओ, ये वाला जो फालूदा है, ये नीरज को खिलाना था दाई ने पिछले साल। तो ये जहाँ पे फालूदा मिलते हैं, वो वाले अंकल हमेशा बंद करके भाग जाते थे। तो हाँ, मतलब कि जल्दी चल जाता था, टाइम ओवर हो जाता था, टाइम ओवर हो जाता था, अंकल का टाइम ओवर हो जाता था। तो इसलिए इस साल फाइनली नीरज को खाने का मौका मिल गया, चांस मिल गया, इतना अच्छा चांस मिला, और आज मैं इतना खुशकिस्मत हूँ। फालूदा रबड़ी, ओहो, इतने खाने का मौका मिला, स्पेशल। तीनों दिन खाएंगे भाई, कल भी खाएंगे, परसों भी खाएंगे। ओहो, खाना ही खाएंगे, खाना तो नहीं ज्यादा हो गया, मासू के ऊपर रबड़ी। इन दोनों का प्लान जैसे दोनों वैसे इनके प्लान है, अटपटे से, अटपटे से। भाऊजी का भी चैनल है, अगर आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर नहीं चाहते, चाहते हैं, करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है। तो भाऊजी के चैनल का नाम है सपना केसी, सपना केसी, तो आप सब्सक्राइब कर देना। सपना आएगा पहले, वो उनको नहीं, उनको नहीं है? पहले सपना डालोगे तो सपना चौधरी आएगा। अच्छा, तो उसमें नहीं आना, भटकना नहीं है आपने, केसी भी लिखना है। बीवी का फुल प्रमोशन करते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, और हम लोग के साथ साथ एक और बंदा ऐड हो रहा है, जो कि है सागर, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। उसका गाइस देखना, जैसे आएगा ना वो चिल्ला, ओ भाई, उसकी एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होती है, एनर्जी एनर्जी ऐसी होती है ना उसका, लेवल ही अलग है। दाई ऐसी जगह पे लेके आए, ये पूरा ओपन है, अभी ओपन बैठ के खाने के लिए। ये कोई देखा देखा सा लग रहा है, ये इधर आना, ऑर्डर भैया, ऑर्डर ले लो, ऑर्डर ले लो, ऑर्डर। ओवर एक्टिंग मत करो, ऑर्डर लो जल्दी। सब्सक्राइबर्स आप मेरे सब्सक्राइबर्स ना, ओ यार, गोवा में थे ना, चंडीगढ़ आ गए। वर्षा दीदी यार, एक्टर बेइज्जती करा दी इसने तो और ज्यादा यहाँ पे। आजा स्टाइल देखे तुम्हारा, बैठ जा सागर, दे दो ऑर्डर, दे दो यार। अब जाके थोड़ा गर्म हुआ, नहीं तो इतनी ठंड लग रही थी, मुझे लगा दाई हमको ऐसे अंदर वाले उसमें ले जाएंगे, ऐसे ओपन था तो और ज्यादा ठंड लग रहा है। इट्स वेरी स्पेशल जैकेट, सो थोड़ा ध्यान रखना प्लीज, इसमें चटनी चुटनी मत घेरना, सीधा कड़ी घेर देना। अभी जो भी खाऊंगी ना, थोड़ा छेद दे दे, वो नहीं धुलेगा। सीख कबाब दे दो, दिल तो रो रहा होगा ना अंदर, आंसू नहीं निकल रहे। कोई बात नहीं, जिसने भी दिया, आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगी आपके जैकेट, ठीक है? देख ही रहे हो तो। क्रिशा को यहाँ अपना टाइम पास मिल चुका है, काम कर रही हो, पूरा काम कर रही हो, चेनी घेरना ला फेंक रही हो। जी जी जी। तो हमने मंगाया ये तंदूरी चिकन, और हमने मंगाया ये क्या है, ये अफगानी चिकन, अफगानी चिकन। तो गाइस अभी क्रिशा का डांस होगा, देखना काम भी हो गया जिस काम के लिए हम लोग आए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग सब पूछ रहे थे कि हमने जो प्लॉट लिया है वो कितने का लिया है, तो हमने लिया था वो 60 लाख समथिंग का। तो ये हमने अपने यूट्यूब इनकम से लिया है, जो आप लोग के कारण ही पॉसिबल हो पाया। तो यस गाइस, ये हमारा एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये जाके हमें आगे और फ़ायदा दे, इसलिए हमने इन्वेस्ट किया है। देखते हैं अगर वहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छा हो, अभी क्योंकि
ये जो सोसाइटी है न्यू बनी है, और लोग घर बनाएंगे तो उसके बाद देखते हैं सोसाइटी कैसे बनती है। तो फिर हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि बाद में घर बनाए, तो अभी तो हमने जमीन लिया है पर अभी थोड़ा उसको टाइम है घर बनाने के लिए। तो यस, बहुत सारे ये क्वेश्चन आए थे क्योंकि मैंने बहुत बार अपना प्लॉट का जिक्र किया था हमने वीडियो में, तो आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं। ये वीडियो खत्म करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस, बाय।